हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके पास हमारे न्यू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारा आचिंग अपने जीजे और विंग को लेकर गोसू के लिए रवाना हो चुका था। माय क्यूटीज, आप लोग तैयार तो हो ना? कान में ईयरफोन्स लगा लो, हमारा विंग आ गया गोसू। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूनमैंग से 117 स्टूडेंट्स के साथ हमारा आचिंग अपने जीजे और विंग को लेकर गोसू पहुंच चुका था और गोसू के सारे लोग वहां पर खड़े थे उन सबका वेलकम करने के लिए। सबसे आगे खड़ा था लैनचिरैन, लैनशिचैन और हमारा वांगजी। वांगजी तो बहुत नर्वस हो रहा था, आज वो पहली बार अपने विंग को देखेगा। दूसरी ओर विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, पता नहीं वांगजी कैसा दिखता होगा। यही सवाल उसने अपने जीजे से करीबन 900 बार पूछ लिया था। जीजे अब परेशान होकर कहती हैं, वो इंसान जैसा ही दिखता है, तुम चिंता मत करो, मेरा अल्फा सबसे ज़्यादा सुंदर होगा। जीजे परेशान होकर कहती है, विंग तुम अपने ससुराल आए हो, मुँह थोड़ा तो बंद रखो। विंग कहता है ठीक है। पहुंचने के बाद हमारा आचिंग सबसे पहले घोड़े से नीचे उतरता है और सबको ग्रीट करता है। फिर शिचैन कहते हैं, वांगजी आगे जाओ, रिचुअल्स कंप्लीट करो। वांगजी थोड़ा और नर्वस होकर अपने अंकल की तरफ देखता है। चिरैन भी कहता है, वांगजी जाओ, रिचुअल्स कंप्लीट करो। वांगजी डरते डरते आगे जा रहा था, उसके हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वांगजी पूरा ही कपकपा रहा था, पर फिर भी बहुत मुश्किल से वो पालकी की तरफ गया और अपना हाथ बढ़ाया। हमारा विंग अब तक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, पर अब वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। और फिर जीजे यानली कहती है, विंग नर्वस हो रहे हो, तुमने तो कहा था तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं बनोगे। अब हमारा विंग एक स्मर्क करके कहता है, बिल्कुल जीजे मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा, कहकर वो वांगजी के हाथों में अपना हाथ दे देता है। और जैसे ही विंग ने वांगजी का हाथ टच किया, वैसे ही वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि वांगजी के हाथ बुरी तरह से शेक हो रहा था। विंग पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था, लेकिन बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी दबा ली, उसका अल्फा इतना नर्वस हो रहा है। हमारे विंग के दिमाग में एक शरारत आई, उसने सोचा क्यों ना वो अपने अल्फा को थोड़ा और नर्वस कर दे। हमारा विंग जानबूझकर पालकी के कॉर्नर में ऊंट की तरफ अपना वेल का एक हिस्सा फंसा देता है और फिर वो कपड़ा हटाकर नीचे उतरते टाइम गिर जाने की एक्टिंग करता है, जिस वजह से वो सीधा वांगजी के ऊपर गिरता है और वेल जो फंसा हुआ था उस वजह से वेल हट गया और विंग और वांगजी की किस हो गई। बेचारा वांगजी तो सदमे में था, पर हमारा विंग किस करने के बाद हमारा विंग हल्का सा स्माइल करता है और अपने अपर लिप को हल्का सा लिख करके वांगजी की तरफ एक आंख मार देता है। अब बेचारा वांगजी विंग को जल्दी से खुद से हटाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। जीजे यानली जल्दी से विंग का वेल ले आती है और उसके सर पर डाल देती है। विंग मुंह बना लेता है, क्योंकि वो अपने अल्फा को थोड़ी देर और देखना चाहता था, क्योंकि विंग आज बहुत हैप्पी था, दुनिया का सबसे हैंडसम अल्फा जो मिल गया उसे। हमारे विंग के दिमाग में वो सीन फिर से चल रहा था और वांगजी के भी। बेचारा वांगजी अब तो बुरी तरह से डर रहा था, कपकपा रहा था और उसके दिमाग में जैसे वो सीन दोबारा से प्ले हो रहा था, किस तरह विंग उसके ऊपर गिरा और हटने की बजाय उसके बॉटम लिप को विंग ने सक कर लिया और फिर उठकर उसकी ओर आंख मार दिया। बेचारा वांगजी अब तक सदमे में था और जब वो मुड़कर अपने अंकल की तरफ देखते हैं तो उनका हाल तो और ज़्यादा ख़राब था। सब लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। लैंस तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन यूनवेक के निवासी वो लोग हंसने लग गए। यूनवेंग के लोग तो हमेशा से ही चंचल हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर गोसू के लोग हमेशा खुद को शांत रखते हैं, चाहे सिचुएशन कितना भी मज़ेदार हो, वो लोग ऐसे नहीं हंस सकते। विंग की बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग कहती है, विंग तुरंत तो खुद को थोड़ा तो संभाल ही सकता था ना, ऐसे कैसे गिर गया।
विंग मासूम सा शक्ल बनाकर कहते हैं, मेरा पैर फिसल गया था, पता नहीं कैसे। वो इतनी मासूम सी शक्ल बनाकर लैन चिरैन की तरफ देखकर बोल रहा था कि चिरैन को भी यकीन हो गया कि बेचारे का पैर फिसल गया था, वरना ऐसा थोड़ी होता है। फाइनली सदमे से बाहर आकर चिरैन कहते हैं, वांग जी रिचुअल्स कंप्लीट करो। वांग जी फिर से कपकपाते हुए अपना हाथ आगे करता है और विंग कपाक से उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अपना अल्फा इतना पसंद आ गया कि उसने खुद को फौरन ही कंफर्टेबल कर लिया है वांग जी के सामने। वैसे विंग सिर्फ एक ही पल के लिए नर्वस हुआ था, ज़्यादा नहीं। बेचारा वांग जी बहुत मुश्किल से चलते हुए विंग को गेट के अंदर ले आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वेलकम कहता है। उसके बाद एक चाइनीज़ वेलकम रिचुअल कंप्लीट होती है। रिचुअल कंप्लीट होने के बाद लैन चिरैन कहते हैं, युनमेंग के निवासियों को ले जाओ, वो लोगों को आराम करने दो और कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमारा विंग मुंह बना लेता है क्लास का नाम सुनकर, उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। विंग ने अब वेल पहन रखा था इसलिए उसका एक्सप्रेशन कोई नहीं देख पाया, लेकिन विंग वेल के अंदर से सबको आराम से देख सकता था, लेकिन उसकी आंखें तो सिर्फ वांग जी पर टिकी हुई थी। बेचारा वांग जी तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो थोड़ी थोड़ी देर में विंग की तरफ देख रहा था और घबरा रहा था। वो विंग को देखना भी चाहता था और नहीं भी देखना चाहता था, वो डर भी रहा था, विंग से बातें भी करना चाहता था। शायद बेचारा खुद के हाल ही नहीं समझ पा रहा, उसकी ऐसी बत्ती गुल हालत को देखकर हमारा विंग तो ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था, पर बहुत मुश्किल से वो खुद को रोक लेता है। और फिर विंग को उसका कमरा दिखाया जाता है जो जिंगशी से ज़्यादा दूर नहीं था। ये कमरा 2 साल के लिए विंग को दिया गया है, क्योंकि उसके बाद तो उसे जिंगशी में वांग जी के साथ रहना है। ये 2 साल जब तक वो स्टडी कर रहा है तब तक वो यहाँ रहेगा। और एकदम बीच में जो प्यारा सा बेड था वो जिजे यानली के लिए रखा था। जिजे यानली थोड़ा सा हैरान थी कि उसका बेड इतना अलग क्यों है, ये तो जिंगलिंग ताइक से आया हुआ बेड की तरह लग रहा है। ये बेड तो बिल्कुल उस तरह के बेड लग रहा है जिस तरह उसने जिंगलिंग ताइक के महल में देखा था। आचिंग हल्का सा, हमारा आचिंग हल्का सा खास कर कहता है, जिजे जिन जिशवान भी यही गुसु में स्टडी करता है, पास ही के कमरे में है। ये सुनकर तो जिजे यानली घबरा गई और विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग कहता है, जिजे वो आपको खा नहीं जाएगा। फाइनली हमारा विंग वेल को उतार कर दूर फेंक देता है और बेड पर लेट कर कहता है, आह मेरी तो कमर ही टूट गई, कितना लंबा रास्ता था। और फिर हमारा विंग एक स्मर्क करके कहता है, जिजे मेरा अल्फा कितना ज़्यादा शर्माता है, उसके कान देखे आपने, बिल्कुल लाल थे। हमारा आचिंग कहता है विंग तो इतना शेमलेस क्यों है, तूने पहली मुलाकात में उसे किस कर दिया। विंग कहता है, भाई तुझे देखना चाहिए था उसका एक्सप्रेशन, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे पहाड़ से धक्का मार दिया हो, वो इतना शॉक्ड था। और फिर तीनों भाई बहन बातें करते हुए हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे नॉक नॉक होती हैं, कुछ डिसाइपल्स आए थे उन लोगों के लिए खाना लेकर। विंग के लिए बहुत ही अच्छा स्पाइसी खाना आया था जैसा कि विंग को पसंद है, और बाकी दोनों के लिए गुसु लैंड फूड्स। और फिर हमारा आचिंग कहता है, हमारे लिए भी स्पाइसी खाना लाइए ना, हम इतना फीका क्यों खाएं। वो डिसाइपल कहता है, ये खाना हंगवंग जुन ने अपनी वाइफ के लिए भिजवाया है क्योंकि उनकी वाइफ को स्पाइसी पसंद है, ये उन्हें पता चला था। आप दोनों के लिए तो स्पाइसी कुछ नहीं मंगाया। हमारा आचिंग मुंह बना लेता है और कहता है, ये वांग जी हमारे लिए भी मंगवा लेता तो इसका क्या बिगड़ जाता। जिजे यानली कहता है, आचिंग शिकायत करना बंद करो, विंग क्या तुम वो प्रिकल हमारे साथ शेयर करोगे। विंग कहता है, बिल्कुल। और फिर वो सब लोग खाना खाने लगते हैं। हमारा आचिंग ढेर सारा प्रिकल लेकर गुसु लैन का वो बकवास खाना खाने लगता है। हमारा विंग तो मज़े ले लेकर अपना फेवरेट स्पाइसी खाना खा रहा था। और फिर हमारा विंग पूछता है, क्या ये वांग जी ने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है मेरे लिए। लेकिन वो डिसाइपल कहती है, नहीं, हांगोंग जी ने खुद बनाया है आपके लिए। ये सुनकर तो तीनों बिल्कुल शॉक्ड थे, क्या वांग जी ने विंग के लिए खाना बनाया, ऐसा तो ज़िंदगी में पहली बार सुना है।
कोई अल्फा अपने ओमेगा के लिए खाना बनाता है क्या? हमारा विंग तो एक बड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, हैंग वांग जिन को इसके लिए एक इनाम तो देना ही पड़ेगा। माय क्यूटीज, आप सबको क्या लगता है विंग वांग जी को क्या इनाम देगा? यह आप सबको पता चल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मज़ेदार नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय।